समाजवादी पार्टी की तरफ से तीसरी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जारी की गई है। तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सपा की तरफ से किया गया है। बदायूं से सपा ने उम्मीदवार बदल दिया है। धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव यानी अपने चाचा को टिकट दिया गया है। और इस तीसरी लिस्ट में जो बाकी सीट्स हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तीसरी लिस्ट में कैराना से इकरा हसन, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली सीट से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। तो एक तरफ कांग्रेस जो है वो बार बार कह रही है कि सपा के साथ उनकी बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अब जो ये तीसरी लिस्ट आई है उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि अखिलेश यादव इस मूड में हैं कि आगे कांग्रेस के साथ कोई बातचीत की जाए। एहतिशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एहतिशाम, ये जो तीसरी लिस्ट आई है अब कहीं ना कहीं जो तस्वीर है एहतिशाम वो पूरी तरीके से क्लियर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मूड नहीं है अखिलेश यादव का, पहले तो 11 सीट फिर 17, अब ऐसा लग रहा है कि एक एक करके वो पूरे के पूरे जो 80 सीट्स हैं उस पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो ये सांठगांठ है वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए अखिलेश यादव ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। और हम आपको बता दें, जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसमें समाजवादी पार्टी हो सकता है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और आज जिस तरह से तीसरी सीट का ऐलान हुआ है वो काफी चौंकाने वाली सीटें हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम है जो कदावर नेता बोले जाते हैं समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव को। तो बदायूं सीट से शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ शिफ्ट किया गया है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बात की रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा भेजा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया और नई पार्टी का ऐलान किया है, क्योंकि बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी चुनाव लड़ी थी बीजेपी से और चुनाव जीती थी, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति को बदला है और अपने सबसे तेज सिपहसालार शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है, क्योंकि शिवपाल यादव की बदायूं में जमीनी स्तर पर बहुत पकड़ ज्यादा है। ऐसे में शिवपाल यादव को उतारकर एक और तुरुप का पत्ता समाजवादी पार्टी ने खेला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी अपना दबाव बना दिया है। और समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि 17 सीटों का उसने ऑफर दे दिया था, उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया है। शिवपाल यादव का साफ कहना है कि पार्टी जो भी उनको दिशा निर्देश देगी उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने अपने तमाम टीम से ये इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार थे इंडिया गठबंधन की जो रैली निकल रही है, जो राहुल गांधी चल रहे हैं उसमें शामिल होने के, लेकिन उनको राहुल गांधी की तरफ से फोन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता है वो कम्युनिकेशन गैप रखे हैं, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। और अब तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी अपने रास्ते चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अपने रास्ते चुनाव लड़ेगी, और जो इंडिया गठबंधन की एक मुहिम चली थी वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बिखर चुकी है। ऐसे ही कांग्रेस को बंगाल में झटका लग चुका है, ऐसे ही कांग्रेस को बिहार में झटका लग चुका है, और ऐसे ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में समाज ये जो टकराव की स्थिति बढ़ रही है, ये अगर बातचीत की खाई बढ़ रही है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सीट शेयरिंग पर अड़ी हुई है? क्या वो चाहती है कि अगर पार्टिसिपेशन हो तो फिर आधे आधे का हो या फिर ना हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस बात पे लगे हुए हैं कि अगर हमें अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी और वो सीटें जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है तो हम अपने नेता को पार्लियामेंट भेज सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जिस सीट पर उसकी मजबूती है वो सीट वो किसी भी हालात में शेयर नहीं करेंगे। जो कांग्रेस का वोट शेयर है उस हिसाब से वो सीट देने के लिए तैयार थे। पहले सूची उन्होंने 11 नामों की भेज दी थी, उसके बाद उन्होंने 17 नामों की सूची भेज दी, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन उनसे नहीं किया गया। वो लगातार इस बात से कहते रहेंगे कि राहुल गांधी उनसे बात कर ले, 2-3 सीटें और चाहिए तो वो बैठ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से उनसे बात नहीं की गई। कांग्रेस के छोटे नेता कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ निर्णय लिया कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।